शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चे फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बन रही हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के आ रहे हैं। तो एक मन में प्रश्न उठना वाजिब है, पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 2 पार्टियों ने राज करा, जो काम दिल्ली में 5 साल में हो गया वो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया? आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली में रखा है, जानबूझ के रखा गया है। इन्होंने जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा और इस देश के बच्चों को अनपढ़ रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे बेरोजगार रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे पिछड़े रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ताकि अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए और अपने घरों के लिए सस्ते में लेबर मिल सके, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को जब जब इनको पॉलिटिकल रैलियां करनी हो तो इनको भाड़े के अंदर लोग मिल सकें, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ते में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता मिल सकें, जानबूझ के ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल सके, इनसे प्रश्न पूछने वाला कोई ना हो, इनको अनपढ़।